अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के हमारे खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। सुबह सुबह का टाइम है, अम्मी अबू घर में चाय बनाने के लिए दूसरे घर, और हम लोग जो है अपने माशाल्लाह प्यारे घर में शिफ्ट हो चुके थे रात को। सो थोड़ी देर पहले ही जो है उठे हैं, पहले नमाज के टाइम उठे थे, तो उस वक्त जो है ना फिर दोबारा से सो गए थे नमाज पढ़ के। तो अभी दोबारा से उठे हैं क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो अभी जो है कुछ करेंगे काम शाम, और बाकी जो घर की सेटिंग है तो उसको सेट करेंगे। इस टाइम तो छत पे आई हुई थी, छत के हालात भी जो है फ़िलहाल ख़राब है, इनको भी अभी ठीक करना है। वैसे इधर चेक करें, बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे ना धुंध सी पड़ी हुई है हल्की हल्की, सुबह के टाइम ज़्यादा थी लेकिन अभी कम हो गई है। तो इधर से जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला व्यू। चले नीचे चलते हैं, जाकर देखते हैं लड़कियां क्या कर रही हैं, और जाकर कुछ काम शाम भी करें। वैसे ही देखें हमारी सीढ़ियाँ जो है बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी हो गई हैं, तो इनको अभी सफाई वगैरह करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो अभी से कल भगदड़ मची है ना यहाँ पे। ये चेक करें भाई, कपड़ों के पहाड़। मतलब यहाँ पर सारे कपड़े रख दिए, और इधर लड़कियाँ जो है सो रही हैं अभी तक। लड़कियों उठ जाओ। हाँ जी आपी की जान। हाँ जी, आप तो हमेशा ही प्यारी लगती हो। हाँ मम्मा कहाँ है? सही हो गया। चलो भाई ये भी जबरदस्त है। चलो भाई लड़के उठ जाओ यार, कोई इधर से सफाई वगैरह करें कोई अपना। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके हाल खराब लग रहे हैं, और आपको दो थप्पड़े लगनी है आपके हालात ठीक हो जाने हैं। नहीं यार, फर्स्ट नाइट और फर्स्ट वो क्या कहते हैं सुबह है, इसलिए है ना कल से काम करके बहुत थके हुए थे। तो चलो कोई नहीं, अभी फिर से काम करना है। अभी फिलहाल नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता करने के बाद भूख लग रही है, बहुत भूख लगी हुई है, रात को भी खाना नहीं खाया है। लगता है बतूल आई है। हाँ बतूल ही आई हुई है। ये चाय यार, ये चीजें नहीं, मम्मा भी आ गई है। चलो देख लेते हैं, मम्मा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मम्मा? गुड मॉर्निंग, हम तो आपसे पहले उठ के चाय बना के पी ली। मुझे पता है, आ जाए अंदर। देखा है उधर, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, भूख अम्मी बड़ी लगी हुई है। अबू को कहें कुछ नाश्ता ला के दें, इधर तो पकने नहीं वाला अभी। अभी कैसे करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। पापा को कोई नाश्ता ले आए जाकर, काफी लगी है। हाँ जी ये मुझे नहीं पता, पापा ने आई थिंक रखा है, नहीं पता ही मुझे। फूल मैंने भी चीज ही खानी है, मुझे भी खाने के लिए कुछ तो भूख लगी है मुझे। वाली भी रजाई उठा लो। और ये इन्होंने रात को मेरी चारपाई तोड़ दी है। बतूल ने क्या किया राहत? मैंने नहीं तोड़ी यार, मेरी सारी चारपाई टूट गई है, अब मैं कैसे सोऊंगी। मैंने सारे बिस्तर यहाँ से उठा दो, वो जो अंदर ये पड़ी हुई है, ये कपड़े शपड़े सारे बाहर लाकर रखो ताकि देख ले बीच में से छाने। वही तो मैं कह रही हूँ कि इधर चारपाई पे लाके करे है ना, इधर रोशनी है तो इधर कर लेंगे। उठाना नहीं, मैं कह रही हूँ उठा। नहीं नहीं उठाओ उठाओ, नहीं वैसे इसको पड़ा रहने दो, वो ऊपर से जो बाकी सामान है ना उसको उठा लो, क्योंकि ये तो नीचे आ जाएगा ना, इसका क्या है। हाँ हमने ऊपर कपड़े वगैरह निकाल कर रखने हैं। दूसरे कपड़े हैं ना साफ साफ, मतलब धोए हुए हैं, वो इधर रखकर उनकी छानबीन करके बाद में जो है कौन से करने वाले। हाँ उनको चेक करो, ये हम जो है सारे मिक्स हो गए थे। हाँ वैसे यार ये साल में बुरा किया, आंटी ने अपना सामान भी हमें उठवा दिया कि उधर रखो। अब बना पूछे किराएदार आ रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से रख रहे हो। अरे आज की आपको इतनी सर्दी लगी है ना, आपको सर्दी लगी आज? हाँ मुझे भी इतनी सारी सर्दी लगी। नहीं मुझे हल्की हल्की लगी। वो जी रात को यहाँ पर सोए थे और इधर ये सारा खिलारा। नहीं भी यहाँ पर हो चुका है नाश्ते का टाइम, और हम सब मिलकर करने लगे हैं नाश्ता। इधर लेकर आए हैं रोटियाँ, और ये है हमारे पास चने। हमारा जो गैस हम लोगों ने लगवाया था वो हम लोगों को निकलवाना पड़ा था, इसी वजह से घर में नाश्ता नहीं बनाया। सो व्यूअर्स, हम लोग जो है उधर से निकल आ चुके हैं।
पागल हो गई हूँ यार, बात तो कर लेने दो प्लीज यार। ये पागल हो गई है लड़कियाँ, ये पता नहीं क्या मसला है लोगों को। तो हम लोग जो है ना उस घर में सफाई वगैरह कर रहे थे, कुछ हम लोगों ने छांटा है कपड़ों को, कुछ अभी जो है बाकी है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर आए हैं जहाँ पर ये लड़कियाँ एकदम पागल हो चुकी हैं, देख रहे हैं इनकी हरकतें, और रात में अभी खुद हंस रही है। तो अभी हम लोग जो है ना इस घर की सफाई करने वाले हैं। एक्चुअली है ना हम लोग चाहे यहाँ से जा रहे हैं यार, फिर भी बनता है कि सफाई वगैरह करके जाए। तो यहाँ पर जो कुछ हमारा सामान है ये भी अभी लेकर जाएंगे, और उसके अलावा ये सारी सफाई भी यहाँ पे करके जाएंगे। सो सबसे पहले आप लोग देखें ये बिफोर, और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैजिक से आफ्टर। ये चेक करें, और ये है जिसका आफ्टर, चेक करें भाई। यहाँ से हम लोगों ने सारा इसको धो दिया और अंधेरा भी हो गया, काफी देर से जो है काम कर रहे हैं। कौन सी लैंड गाड़ी, वाह भाई वाह, सही है भाई। थक गए हैं बुरी तरह से, ये अंदर की भी सारी सफाई की है, क्लोजिंग कर ली है सारी, ये थोड़ी सी चीजें ये अभी रखेंगे। तो ये सारा इधर से धो दिया है हम लोगों ने, आज के दिन में बहुत ज्यादा काम किया भाई। क्या लीजिए राहत, ये वाले बर्तन उठा लो, ये पाई उन्होंने आ लें दू अबू आ जाने तो फिर चक लियो, मुड़ के पता चले उठे डिग गया। आ गया अबू आ गए, हुन हो जाऊगा, ध्यान ना बिस्मिल्लाह ध्यान करो। हाँ जी बिल्कुल। फाइनली जी हमारा सामान इधर से उधर जा चुका है, और अभी हम लोग जो है ना नेट का कोई देख रहे हैं। वो सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी ले गए हैं, तो वो तार कैसे उतारेंगे यार, उनको तार उतारने के लिए जरूरत होगी, सीढ़ी तो यहाँ पे चाहिए। हाँ सीढ़ी की तो जरूरत है यहाँ पे, सीढ़ी वो भाई लेके आया। अच्छा फिर सही है, चलो है सीढ़ी तो फिर सही है। अभी हमारी वो नेट वाली डिवाइस जो है ना वो यहाँ पे नेट का काम है, तो जगह जगह पे काम होता है ऐसा, मतलब ये हर सब सब साइड साथ में लेके जाते हैं। हाँ तो और क्या, वो क्या वो तो जा रहे हैं मुझे लगता है, इधर आ रहे हैं। चलो ओए ये तो बाइक पे लेके आए, तो अब आ गए समझ आपको। हाँ जी देख लो।